दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम की क्या ये सात और आठ दिसंबर को होगा या फिर नहीं और समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है क्या ये बाईस तारीख को होना प्रस्तावित है जो वो होगा कि नहीं होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट uh, बात है और आज की डेट में हर एक स्टूडेंट जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो इसी बात को लेकर आशंकित है कि ये एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है तो so यहाँ पर इस बारे में बात करें इससे पहले एक सबसे बड़ी बात ये है कि भैया एग्जामिनेशन आपका सात या आठ दिसंबर को हो या फिर वो आपका जनवरी में हो या फरवरी या फिर मार्च में लेकिन आपको अगर एग्जामिनेशन निकालना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा तो वो काम आप बिल्कुल मत छोड़ो पढ़ाई अपनी करते रहो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज की डेट में किसी को भी नहीं पता है सात या आठ तारीख को ये एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा कि नहीं होगा पीसीएस का वहीं समीक्षा अधिकारी वो भी इसी में ही फंसा हुआ है कि बाईस तारीख को होगा कि नहीं होगा अभी आपने हाल ही में सुना होगा सचिव जी ने खुद ये चीज़ कही है कि सात या आठ तारीख हमने ये संभावित तिथियां दी हैं बट हम खुद इसको मतलब कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन इसी डेट को होगा सो so, कोई भी आपसे कहे कि भैया एग्जामिनेशन होने वाला है या फिर एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो बस आप अपने दिमाग में एक चीज़ सेट करके रखो कि सात और आठ तारीख को आपका पी होना है और बाईस दिसंबर को आपका समीक्षा अधिकारी का होना है एग्जामिनेशन और आपको उसी के लिहाज से पढ़ते रहना है हर पल अपने आप को झोंक देना है तैयारी में उसमें कोई कोर कसर मत छोड़ो क्योंकि भाई आयोग और सरकार का मन है अगर एग्जामिनेशन कराना होगा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती सात और आठ तारीख को ही होगा जो दो शिफ्ट की बात हो रही है उसी में होगा अलग अलग पेपर्स बनेंगे सब कुछ होगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना चाहते हुए छात्रों को मतलब एक तरीके से कहो तो दरकिनार करते हुए उनकी राय को उनके जो चिंताएं हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अगर आयोग करेगा तो वो कर सकता है और आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे ये एकदम पक्की बात है हम आंदोलन यहाँ पर कर सकते हैं हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं बट पैरलली आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर बेफिक्र मत होइएगा कि भैया ये एग्जामिनेशन अब होने वाला नहीं है हम लोग इतना जो है ट्विटर पर हल्ला कर रहे हैं हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हो हल्ला कर रहे हैं तो उसके बाद जो है सरकार का मूड बदल जाएगा आयोग का मूड बदल जाएगा और ये चीज़ अब नहीं होगी ठीक है सो so, ये अगर आपके मन में डेलिमा है तो ये मैं आपको ज़रूर इंश्योर करूंगा कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आपको ये लगता है कि आपको एग्जामिनेशन निकालना है तो भैया आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो सारी चीज़ें करो ट्विटर पर अपनी आवाज़ उठाओ कैंडल मार्च में जा सकते हो बिल्कुल करो वो सारी चीज़ें करो जो इस चीज़ को रोकने में सहयोग करें लेकिन अपनी तैयारी को पैरेलली बनाकर रखो और आज की डेट में जैसा मैंने पहले भी कहा एकदम से आप बेफिक्र रहो कि भैया किसी को नहीं पता कि एग्जामिनेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इवन सचिव जी को भी नहीं पता वो भी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि भाई अगर हमें सेंटर्स मिलेंगे तभी एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी तिथि को होगा सो ये तो हो गई एक बात दूसरी बात तैयारी आपको हर पल करते रहना है करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए करंट फेयर्स बेस्ड जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रही है अभी महेश वर्णवाल की बुक चैनल पर मैं कवर अप करवा रहा हूँ उसको ज़रूर पढ़िए बेहद ज़रूरी है वो बुक पढ़ना शॉर्ट नोट्स के थ्रू उसको पढ़ा रहे हैं मतलब उसकी समरी फॉर्म में है और उसकी समरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ले सकते हो ठीक है इसके अलावा घटना चक्र का समराइज वर्जन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये मैंने प्रोवाइड किया हुआ है बाई है हिंदी और इंग्लिश दोनों में सो जो आप करीब 900 पेजेस के आसपास की बुक है उसको एकदम समराइज़ करके उसके शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से उसकी समरी दी गई है ताकि एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके एग्जामिनेशन का जो कि इंडियन हिस्ट्री की फॉर्म में होता है उसको आप कंप्लीट कर पाओ ठीक है ये सारी चीज़ें करो बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर एक दो दिन के अंदर आपको महेश वर्णवाल की बुक का एक चैप्टर्स चैप्टर जो है कंप्लीट मिलेगा बाकी घटना चक्र की अगर आप समरी पीडीएफ डी परचेज नहीं भी करते हो तो उसके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़ वीडियोस देख सकते हो उनके माध्यम से आप पूरे पूरे चैप्टर्स को बहुत जल्दी रैपिडली जो है फिनिश कर सकते हो क्योंकि अगर वैसे करने बैठोगे तो एक एक चैप्टर आपका दो दो ढाई ढाई घंटा लेगा बट अगर समराइज़ फॉर्म की थ्रू करोगे हुआ तो मात्र तीस मिनट पैंतीस मिनट के अंदर एक चैप्टर को आप फिनिश कर लोगे उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर पाओगे जैसे ही ये वाले चीज़ हमारी खत्म होगी उसके बाद पॉलिटी पर चलेंगे फिर जोग्राफी इस तरीके से बुक्स को कवर अप करते हुए चलेंगे समराइज़ फॉर्म में सो so, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेहद बेनिफिशियल होगा जो इसे मैंने आपको बोला कि भैया अपनी तैयारी को मत छोड़ो तैयारी करते रहो कोई कुछ भी कहे अपना आप काम करते रहिए सो so, इसी मैसेज के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच हैवे नाइस टिप बाय